चांदनी, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने खास प्रोग्राम में। जी हाँ, ये प्रोग्राम इसलिए है खास क्योंकि इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ बातों का, कुछ खास बातों का जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री को सर उठाने का मौका देती हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री जिस वजह से सर उठाकर खड़ी है, तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है कि हमारे देश के अलावा भी कई सारे देश ऐसे हैं इस दुनिया में जहाँ पर भोजपुरी को बोला जाता है, बकायदा उसको मातृभाषा का नाम दिया गया है, वहाँ पे एक राष्ट्रीय भाषा को माना गया है भोजपुरी को। और इस चर्चा में हमारे साथ हैं प्रियंका जी, तो आज हम प्रियंका जी से चर्चा करेंगे। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। तो आप हमें ये बताइए, सबसे पहला सवाल जो है प्रियंका जी से वो है ये कि क्या लगता है कि भारत से ज़्यादा कहीं पे भोजपुरी को मान्यता मिली हुई है या भोजपुरी को विशेष अधिकार प्राप्त है किसी देश में? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं चांदनी जी। भारत में 30 से 35 करोड़ की आबादी है वो उन लोगों की जो लोग भोजप्रिया है, भोजप्रिया भाषा को बोलते हैं, उनकी संस्कृति है भोजप्रिया और भोजप्री से वो भोजप्री माटी से वो जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके अलावा वो आंकड़ा भी बहुत बड़ा है जो कि भारत से बाहर का है। भारत से बाहर सऊदी अरब, दोहा, कतर, मॉरिशस में भोजपुरी को मातृभाषा कहा गया है वहाँ का, और सऊदी अरब के अलावा एशिया बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पर भोजपुरी भाषा को बोला जाता है। भोजपुरी भाषा को वहाँ पर बोलने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और ये खास है इसलिए क्योंकि भोजपुरी को भले ही लोग यहाँ पर हैं लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने रोजगार की वजह से, रोजी रोटी की वजह से आउट ऑफ इंडिया गए हैं और वहीं बस गए हैं। तो भले ही वो आउट ऑफ इंडिया चले गए हों लेकिन अपनी माटी को और अपनी समाज और संस्कृति और भाषा को वो नहीं भूले हैं। और इसकी सबसे खास वजह ये है कि भोजपुरिया के जो दर्शक होते हैं वो भोजपुरी भाषा को तो बोलते ही हैं, साथ में जो हमारे यहाँ के सुपरस्टार हैं भोजपुरी भाषा से जुड़े हुए उन सभी को भी वो पसंद करते हैं। मैं स्पेशली खेसारी जी के बारे में बात करना चाहूँगी। ऐसा नहीं है कि खेसारी जी ही सिर्फ काफ़ी ज़्यादा फेमस है उस कंट्री, अलग अलग कंट्री में तमाम बड़े स्टार भी हैं जो उस कंट्री में, अलग अलग कंट्री में फेमस हैं एक भोजपुरिया सुपरस्टार के तौर पर। और खेसारी जब भी किसी स्टेज शो पे वहाँ करने जाते हैं आउट ऑफ इंडिया, चाहे वो मॉरिशस हो, चाहे वो दोहा हो, चाहे वो कतर, जहाँ ज़्यादातर वो दोहा में ही अपना स्टेज शो करते हैं, वहाँ पर यहाँ से कई गुना ज़्यादा भीड़ लोगों की उम्र पड़ती है वहाँ पर। और भोजप्रिया दर्शक को इसलिए प्यार दिया जाता है क्योंकि वो हमेशा उनके साथ, उनके आगे भोजप्रिया समाज और संस्कृति से जुड़ी बातों को वो फिल्म के तौर पर आगे पेश करते हैं। जी हाँ, तो बहुत अच्छा बोला आपने। और सबसे बड़ी बात ये है कि भोजपुरी जो दर्शक हैं, भोजपुरी या जो लोग हैं, वो लोग दूसरे देश में जाकर भी अपनी माटी को याद रखते हैं, अपनी माटी को संजो कर रखते हैं। तो इससे एक और सवाल उठ रहा है मेरे मन में कि ये जो भोजपुरिया लोग हैं, ये लोग किस तरह से, मान लीजिए कि भारत के ही हैं एक तरह से, ठीक है, यहाँ से गए हैं कहीं जाकर के और जॉब कर रहे हैं, जॉब के पर्पस से गए हैं, तो इसलिए वहाँ पे समाज बड़ा है भोजपुरिया समाज। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया से ज्यादा पॉपुलैरिटी और ज्यादा प्यार मिलता है वहाँ पर स्टार्स को? हाँ बिल्कुल, मैंने आपको बताया इस बात को कि जो दर्शक होते हैं हमारे भोजपुरिया जो आउट ऑफ इंडिया है, देखिए हम यहाँ पर हैं, इंडिया में हैं, तो हमें हमारे इंडिया में हमें हमारे माटी से बहुत कुछ देखने को सीखने को मिल जाता है। लेकिन जो आउट ऑफ इंडिया है वो हम एक तो अपने देश से दूर हैं, दूसरे अपने भोजपुरिया जो लोग हैं उनसे दूर हैं, इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उसमें रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो चर्चा प्यार करते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो इस पे जो उन्हें कोई जो स्टार होते हैं जो उन्हें याद दिलाते हैं उनके भोजपुरी गानों को, निर्गुण हो चाहे सोहर हो, ये वो चीज़ें वो ये वो लोग लोकगीत हो, लोकगीत को वो लोग बहुत कम ही सुन पाते हैं आउट ऑफ इंडिया में। तो इसीलिए जब भी उन्हें सुनने का मौका मिलता है किसी स्टार को, जब उन्हें पता चलता है कि हाँ भोजपुरी के इस स्टार का बाहर स्टेशन, ठीक है मैं ज़रूर जाऊँगा देखने, क्योंकि इंडिया में भले ही जगह जगह पर हमारे स्टार स्टेज शो करते रहते हैं, अपना गाना रिलीज़ करते रहते हैं, लेकिन आउट
ऑफ इंडिया बहुत कम ही हो पाता है कि वो जाकर अपने दर्शकों से मुलाकात कर पाए, तो इसी वजह से वो इतने ज़्यादा उत्सुक रहते हैं और इसी वजह से कहीं भी स्टेज शो, भले ही उनको 4 घंटे का 5 घंटे का रास्ता तय करके क्यों ना जाना पड़े, वो डेफिनेटली उस चीज़ को सुनते हैं। और मैं इस चीज़ का सबूत सबसे बड़ा देती हूँ कि खेसारी लाल का एक बार दोहा में स्टेज शो होने हुआ था, उस स्टेज शो में जितनी ज़्यादा भीड़ लगी थी, खुद खेसारी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो आउट ऑफ इंडिया आके स्टेज शो कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने इस बात को जाहिर भी किया था कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं अपने वतन से, अपने देश से, अपने भोजपुरी दर्शकों से कहीं दूर आया हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर वही फीलिंग आ रही है, वही प्यार मिल रहा है, उतनी ही भीड़ देखने को मिल रही है और मैं खुद को भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि इंडिया से बाहर भी लोग हमें इतना ज़्यादा जानते हैं। और मैं एक सवाल और आपको एक एग्जाम्पल और दे दूँ कि अभी खेसारी लाल यादव का जो फिल्म है मैं शहरा बांध क्या होगा यूट्यूब पर रिलीज हुआ, इसे नंबर वन ट्रेंडिंग पे चलाया जा रहा है और ट्रेंडिंग पे चलाने का सबसे खास रीज़न इसलिए है क्योंकि उसे सिर्फ यहाँ पर लोग नहीं देख रहे हैं, यहाँ के जो हमारे भोजपुरी दर्शक है वो नहीं देख रहे, थिएटर में वो आकर नहीं देख सकते क्योंकि फिल्में सिर्फ भारत में रिलीज होती हैं, लेकिन वो यूट्यूब चैनल पर आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी जाकर देख सकते हैं और ये उनके लिए एक सुनहरा मौका होता है उनके अपने भोजपुरी फिल्मों को देखने का, और इसीलिए उस फिल्म जो फिल्में अच्छी होती हैं उन्हें इतना ज़्यादा प्यार मिलता है, या जो फिल्में प्रॉपर पॉपुलर हो जाती हैं बड़े स्टार की होती हैं वो उन्हें मौका मिलता है कि वो यूट्यूब पर कब रिलीज़ हो और कब वो फिल्में वो देख पाए। कई बार मैंने ऐसे कमेंट्स भी पढ़े हैं जिसमें कहते हैं कि आप आउट ऑफ इंडिया फिल्म अपनी रिलीज़ कीजिए या सर आप यूट्यूब पर जल्दी अपनी फिल्म रिलीज़ कीजिए मुझे देख, तो ये वो लोग हैं जो भोजपुरी फिल्मों को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं और ये उन्हीं लोगों का प्यार है कि आज खेसारी लाल यादव कह लीजिए और भोजपुरी के जो तमाम स्टार हैं वो आज इतने बड़े स्टार बन पाए हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी आगे बढ़ पाई है। हाँ जी, तो एक सवाल और पूछती मैं आपसे कि ये इतनी पॉपुलैरिटी है देश ही नहीं विदेश में भी, इतनी पॉपुलैरिटी है भोजपुरी भाषा की, भोजपुरी फिल्मों की, भोजपुरी गानों की, लेकिन फिर भी भोजपुरी की जो फिल्में हैं वो सब लो बजट क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू बॉलीवुड? इतनी लो बजट फिल्में क्यों बनती है जब इंटरनेशनल पे आ चुका है भोजपुरी, तो आपको क्या लगता है क्यों बनती है? देखिए, लो बजट शायद इतना अभी विकसित नहीं हो पाया है भोजपुरी इंडस्ट्री जिसमें पैसे इतने ज़्यादा लागत लग सके, या ऐसा कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल पाया जो भोजपुरी इंडस्ट्री पे इतना खर्च कर सके। जितने भी लोग हैं और हर किसी के दिमाग में यही है कि जब भी कोई फिल्म बने भोजपुरी की तो वो अपनी भोजपुरी माटी से ही जुड़ा हुआ हो, कुछ नया दिखाएं लेकिन भोजपुरी अंदाज में दिखाएं, और जो भोजपुरी अंदाज में होता है और वो इसी वो दर्शक, अगर जो दर्शक आप मार धार दिखाओगे, बहुत 3D टाइप की फिल्म दिखाओगे, वो उन्हें जितनी उतनी पसंद नहीं आएगी जितनी आप कोई पारिवारिक फिल्म दिखा दोगे। पारिवारिक फिल्में भोजपुरी इंडस्ट्री की खासियत है, परिवार से जुड़ी हुई फिल्में भोजपुरी इंडस्ट्री में पहले भी चलती थी, गंगा मैया तोरे पियरी चढ़े मुँह से लेकर अब तक, अभी भी मेहंदी लगा के रखना फिल्म खेसारी लाल यादव की, मैं शहरा बांध क्या हूँगा खेसारी लाल यादव की फिल्में, और मेहंदी लगा के रखना तू भी प्रदीप पांडे उफ चिंटू की फिल्में, और अब डमरू, ये वो फिल्में हैं और तमाम और भी ऐसी फिल्में हैं, मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन तमाम ऐसी फिल्में हैं जो पारिवारिक जीवन पर आधारित है, और यही चीज़ जो बाहर के लोग रहते हैं ये इन्हें वही चीज़ है क्योंकि वो अपने परिवार से दूर रहते हैं, वो अपने जो लोग होते हैं जो अपने फैमिली मेम्बर होते हैं उनसे दूर होते हैं, तो वो फीलिंग लेते हैं उस फिल्म को देख कर कि हाँ मुझे एक परिवार कैसे एकजुट होकर रह रहा है, जो चीज़ें वो आउट ऑफ इंडिया जाके मिस कर दिए होते हैं अपने परिवार को छोड़कर, वो उन फिल्मों के अंदर उन्हें देखने को मिलता है, वो प्यार उन फिल्मों के अंदर देखने को मिलता है, और इसी वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री की मैं फिर से बोलूँगी खासियत है पारिवारिक फिल्में। तो भले ही फिल्में आज के बाद, शायद आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद हाई बजट की फिल्में बने, लेकिन पारिवारिक फिल्में ज़रूर बने क्योंकि पारिवारिक फिल्में हमेशा से भोजपुरी इंडस्ट्री में चलती आई है और आगे भी चलती ही रहेगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भोजपुरी फिल्में जो हैं वो पारिवारिक होती हैं, उससे सीख मिलती है अपने परिवार के साथ कैसे रहने का, तो एक और सवाल है, लोग कहते हैं जैसे ही भोजपुरी किसी गाने का कोई गाने की चर्चा चले या किसी फिल्म की चर्चा चले, फिल्म की तो मैं नहीं कहूँगी बट गाने या एल्बम की चर्चा चले, तो लोगों के जहन में, इवन जो आम आदमी है नॉर्मली, सबके जहन में ये आ जाता है कि भोजपुरी गाने में कुछ वल्गैरिटी होगी, कुछ लटके झटके होंगे, कुछ आइटम सॉन्ग होगा, तो एक तरफ ये पारिवारिक फिल्म है, ठीक है, तो आप ये मुझे बताइए कि ये पारिवारिक फिल्में
आप कह रही हैं, बाकी लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि वल्गैरिटी है भोजपुरी? क्योंकि कुछ समय से ऐसा हो रहा था चांदनी जी, आपको बता दें कुछ समय कुछ लोगों को ये गलत फहमी हो गई थी कि हम दो तीन आइटम सॉन्ग, दो तीन लटके झटके, कुछ कुछ अश्लील फोहरता टाइप के अगर जो थीम डाल देते तो गान फिल्में यूँ चलेगी, और कुछ कई बार कई टाइम तक चली भी, लेकिन मैं वो ज़्यादा समय तक भी नहीं चलेगी और वो ज़्यादा समय तक चलनी भी नहीं चाहिए। तो जिन लोगों को ये गलतफहमी है वो गलतफहमी दूर करें। फिल्में, मैं ये नहीं कहती अश्लीलता फुहरता नहीं होती, लेकिन एक हद तक होती है और वो बहुत जल्द खत्म होने वाली है। हाँ जी, तो चलिए देखिए, यहाँ पर प्रियंका जी ने बताया कि भोजपुरी फिल्म में सिर्फ फूहड़ और अश्लीलता ही भरी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि किसी भी फिल्म में ऐसा नहीं होता, हिंदी फिल्मों में भी बहुत सारी अश्लीलता देखने को मिलती है और लगभग खुल करके सारी बातें सामने आती हैं, लेकिन भोजपुरी फिल्म में उसको छुपा करके बोला जाता है। अगर कहा जाए तो भोजपुरी की जो भाषा है वो लोगों के दिमाग में वल्गैरिटी डालती है, लोग ये सोचते हैं, लेकिन भाषा ही इतनी अच्छी है। और प्रियंका जी ने जैसा बताया कि भोजपुरी इंटरनेशनल लेवल पर पसंद करी जाती है, तो आज हमारी चर्चा इसी बात पर थी कि भोजपुरी इंटरनेशनल लेवल पर पसंद की जाती है, लेकिन फिर भी अभी भोजपुरी की जो फिल्में हैं वो हाई बजट नहीं होती। तो आगे जो फिल्में आ रही हैं, आगे जो प्रोड्यूसर राइटर डायरेक्टर आ रहे हैं, वो ऐसी फिल्में लेकर के आ रही हैं कि आगे जाकर के यहाँ पर कोई हाई बजट फिल्म बनेगी। तो चलिए इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं, अगली बार फिर लौटेंगे कोई नया खास विषय लेकर और उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप सभी लोग देखते रहिए नेक्स्ट 9 भोजपुरिया। नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।